द अल्टीमेट चाल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही डिमांड किया हुआ वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर्स ने भर भर के लिखा कमेंट बॉक्स में कि कंपैरिजन करिए डॉग वर्सेस डॉग में डॉबरमैन वर्सेस रॉटवाइलर का। तो दोस्तों आज का एपिसोड है दो जर्मन जाइंट्स के बीच में कंपैरिजन, दो जर्मन गार्ड डॉग्स के बीच में कंपैरिजन, रॉटवाइलर वर्सेस डोबरमैन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास, इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक और सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया के सबसे बड़े डॉग चैनल को। दोस्तों बहुत पहले जब पूरे यूरोप में रोमन्स का कब्जा हुआ करता था, तो जो जर्मनी का एरिया था जहाँ पे जर्मैनिक ट्राइब रहा करते थे, वहाँ पर भी रोमन्स का कब्जा था और रोमन्स लीजन्स ने वहाँ पे रॉटवाइलर्स को ब्रीड करना शुरू किया। पर जब धीरे धीरे पूरे यूरोप से रोमन्स का कब्जा हटता गया, तो जर्मनी से भी रोमन्स भाग गए और दोस्तों रॉटवाइलर को वहाँ पर ही छोड़ गए। एक शहर है जर्मनी में रॉटवील करके, वहाँ पे रॉटवाइलर को छोड़ गए। उसके बाद धीरे धीरे रॉटवाइलर फैलता गया, बढ़ता गया और वहाँ के जो बुचर्स हैं और लोकल लोग हैं उनके साथ रहने लगा। यानी कि दोस्तों रॉटवाइलर बहुत ही पुराना डॉग ब्रीड है, बहुत ही ओल्ड, बहुत ही एंशियंट टाइम का डॉग ब्रीड है रॉटवाइलर। वही दोस्तों अगर डोबरमैन के थोड़ा इतिहास की बात करें, तो जर्मनी के अडोलमा शहर में एक टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक लुई डोबरमैन। उनका काम बहुत ही रिस्की हुआ करता था, क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करने जाना था बड़े बड़े लोगों से। उनके ऊपर कहीं भी अटैक हो सकता था, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा लेके आ रहे होते थे, तो चोर डकैत उनको कहीं भी पकड़ के मार सकते थे। तो दोस्तों उनके दिमाग में आया कि उनको एक ऐसा डॉग चाहिए अपने साथ जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके, तो उन्होंने डोबरमैन को ब्रीड करने का सोचा। स्टार्टिंग में इस डॉग ब्रीड का नाम डोबरमैन नहीं था, पर दोस्तों जो कार्ल फ्रेडरिक लुई डोबरमैन थे, जब उनकी डेथ हो गई और वो इतने पॉपुलर हो गए इस डॉग ब्रीड की वजह से कि उनके डेथ के बाद इस डॉग ब्रीड का नाम डोबरमैन रख दिया गया। डोबरमैन पिंस्चर रखा था, पर 50 साल के बाद पिंस्चर शब्द हटा दिया गया था डोबरमैन से। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों की अपीयरेंस और साइज पे। दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी मस्कुलर और पावरफुल डॉग ब्रीड होते हैं, पर रॉटवाइलर थोड़े मोटे और हैवी होते हैं और डोबरमैन थोड़े लीन होते हैं, पतले होते हैं पर मस्कुलर ज़्यादा होते हैं। अगर दोस्तों एवरेज रॉटवाइलर की हाइट की बात करें तो 22 से 27 इंच तक होता है, और एवरेज डोबरमैन की हाइट की बात करें तो दोस्तों 24 से 28 इंच तक होता है। हालांकि डोबरमैन लंबाई में थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर वेट में रॉटवाइलर ज़्यादा होते हैं। एवरेज रॉटवाइलर का वेट 80 से 135 LBS तक हो सकता है, और दोस्तों एवरेज डोबरमैन का जो वेट है वो 60 से 100 LBS तक का होता है। वही दोस्तों अपीयरेंस में दोनों की कोट की बात करें तो दोनों के ही शॉर्ट कोट होता है, पर रॉटवाइलर कंपैरेटिवली डोबरमैन से ज्यादा कोट होता है रॉटवाइलर में। दोनों की अगर फेस स्ट्रक्चर की बात करें तो रॉटवाइलर का जो फेस होता है वो थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा मोटा फेस होता है, और दोस्तों जो डोबरमैन का फेस होता है वो पतला और थोड़ा पॉइंटेड फेस होता है। तो देखते ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही डॉग ब्रीड के टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी के बारे में। दोनों ही डॉग ब्रीड अपने अपने ओनर्स के लिए डिवोटेड होते हैं, अपने अपने ओनर्स के लिए लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं, पर दोनों का ये प्रोटेक्ट और लॉयल रहने का तरीका अलग अलग होता है। पहले डोबरमैन की बात करते हैं। डोबरमैन एक फियरलेस डॉग ब्रीड है और काफ़ी विजिलेंट भी है। दोस्तों डोबरमैन हमेशा गार्ड के लिए तैयार रहता है, हमेशा कहते हैं ना कि भाई डोबरमैन की बैटरी कभी डाउन नहीं होती, डोबरमैन हमेशा तैयार रहता है अपने ओनर को गार्ड करने के लिए। डोबरमैन बहुत ही फियरलेस और विजिलेंट डॉग ब्रीड होता है, वो किसी से डरता नहीं है और हमेशा गार्डिंग के लिए तैयार रहता है, हमेशा ऑन द टोज रहता है। मतलब कभी भी आप डोबरमैन को ऐसे नहीं देखोगे कि वो भटका हुआ नजर आ रहा है, वो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही एकाग्रता काफ़ी बना के रखता है, और दोस्तों वो किसी भी अननोन जो आदमी है या एनिमल है बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं हो जाता, जब तक उसको पूरा भरोसा ना हो जाए उसके ऊपर। ज़्यादातर टाइम ये भी बोला जाता है कि डोबरमैन खाली एक आदमी का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको डोबरमैन अपना अल्फा मान लेता है वो उसी का होके रह जाता है। हो सकता है घर में एक आदमी की ही बात सुने और किसी की बात सुने ही ना डोबरमैन, वो खाली एक बंदे के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, एक बंदे के ही ऑर्डर्स मानेगा, बाकी सबको वो पूछेगा भी नहीं। इसलिए डोबरमैन को बिल्कुल बचपन से ही, पपीहुड से ही
बढ़िया ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डॉबरमैन एक हाई एनर्जी डॉग ब्रीड है, उसको भागते दौड़ते रहने की आदत है, वरना वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप अगर डॉबरमैन पालते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और मेंटल एक्टिवनेस की ज़रूरत होती है। उसको कुछ ना कुछ कराते रहिए, वरना वो एग्रेसिव भी हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर मैं रॉटवाइलर की बात करूं तो वो भी डॉबरमैन जितना ही प्रोटेक्टिव होता है, वो डॉबरमैन जितना ही अपने ओनर को किसी भी खतरे से बचा सकता है, वो उतना ही बढ़िया गार्ड डॉग है। पर साथ में जो रॉटवाइलर है वो थोड़ा ज़्यादा प्लेफुल भी है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। रॉटवाइलर जो है वो दूसरों के साथ ज़्यादा टॉलरेंट है, यानी वो दूसरों को ज़्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। वो अपने घर में सबके साथ मिलजुल के रह सकता है, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी वो काफ़ी अच्छा होता है। वो बाहर जाने को भी तैयार रहता है, दूसरे डॉग्स के साथ खेलने को भी हमेशा तैयार रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसिप्लिन्ड या प्रोटेक्टिव नहीं है। वो भी डोबरमैन की तरह सेम है, पर दोस्तों वो अच्छा पेट डॉग भी है, वो सबके साथ घुल मिल के रह भी सकता है। रॉटवाइलर को भी काफ़ी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, पर जितनी डॉबरमैन को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है उतनी रॉटवाइलर को ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी ज़रूरत होती है। अगर हम दोस्तों इंटेलिजेंस और ट्रेनेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम वर्ल्ड इंटेलिजेंस रैंकिंग के हिसाब से चले तो डॉबरमैन 5th पे आते हैं और रॉटवाइलर 9th पे आते हैं। पर दोनों ही काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड है, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। पर जो रॉटवाइलर है वो कभी कभार स्टबन हो सकता है ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा मस्त मौला भी होता है। वो कभी कभार स्टबन हो सकता है, कभी कभार बोलेगा कि भाई मैं नहीं सीखूंगा कब, तो उसको काफ़ी अच्छा लीडर, काफ़ी अच्छा हैंडलर चाहिए होता है रॉटवाइलर के लिए। और जो डॉबरमैन होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है, वो एकदम ना मिलिट्री टाइप का डॉग है। वो मतलब काफ़ी डिसिप्लिन्ड, काफ़ी बात सुनने वाला डॉग है अगर उसका लीडर अच्छा है तो। अगर उसका अल्फा स्ट्रांग है, अच्छा है, उसके बराबर का टक्कर वाला है, तो भाई डॉबरमैन सारी बातें आपकी डिसिप्लिन से सुनेगा। अगर दोस्तों दोनों के ग्रूमिंग की बात करें तो दोनों को ही ऑलमोस्ट सेम टाइप की ग्रूमिंग ही चाहिए होती है। दोनों ही शॉर्ट कोट होते हैं, दोनों के ही ज़्यादा शेडिंग नहीं होती है। अगर शेडिंग होती भी है तो वीक में एक बार ब्रशिंग की ज़रूरत होती है, उनके जो झड़े हुए बाल है वो निकल जाएंगे। और दोस्तों कभी कभार जैसे कि मंथ में एक बार अगर आप नहला दो तो काम चल जाता है, उनका कोट सही रहता है, शाइनी रहता है। नेल वगैरह ट्रिम करना होता है वेट के पास जाइए और वही आपको रिकमेंड करेंगे कि दोनों का नेल कब ट्रिम करना है और क्या क्या ख्याल रखना है। पर अगर दोस्तों कंपेयर कर दो, रॉटवाइलर थोड़ा ज़्यादा शेड करता है क्योंकि उसमें बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं डोबरमैन से। अगर दोस्तों हम हेल्थ और लाइफ स्पैन की बात करें तो दोनों ही डॉग ब्रीड को कुछ भी बीमारी हो सकती है भाई, जो डॉग्स में पाई जाती है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर एक मैप तो है नहीं कि इस डॉग को ये बीमारी हो सकती है और इस डॉग को इस बीमारी हो सकती है। दोनों को ही एल्बो डिस्प्लेसिया और भी कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, तो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। अपने आप वेट के पास जाइए और रेगुलर चेकअप कराइए। अगर एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो रॉटवाइलर का 8-10 ईयर्स होता है और जो डॉबरमैन है उसका 10-13 ईयर्स तक होता है। तो दोस्तों आप दोनों ही डॉग ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपको एक बेहतरीन गार्ड डॉग चाहिए पर वो थोड़ा प्लेफुल भी होना चाहिए, आपके बच्चे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, घर के बाकी मेंबर्स के साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, बट साथ के साथ काफ़ी लॉयल, प्रोटेक्टिव और थोड़ा ख़तरनाक भी दिखना चाहिए, तो आपके लिए रॉटवाइलर है। पर दोस्तों आप खुद एक बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है और आपको आपका डॉग भी उतना ही स्ट्रिक्ट चाहिए भाई, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, टाइम पे हर चीज़ करने वाला, हमेशा ऑन द टोज रहने वाला भाई गार्डिंग डॉग, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं करनी उसने, किसी से कोई बात नहीं करनी, बस अपना काम करते रहना है, तो आपके लिए डॉबरमैन है। पर दोस्तों मैं ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर है तो पहले कोई और डॉग ब्रीड, कोई और गार्ड डॉग पाल लीजिए, जैसे कि जर्मन शेफर्ड या रॉटवाइलर, उसके बाद आपको डॉबरमैन लेना चाहिए, क्योंकि डॉबरमैन थोड़ा डोमिनेटिंग डॉग ब्रीड है, वो जल्दी से किसी के कंट्रोल में आता नहीं है, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आने के लिए। तो आप रॉटवाइलर पाल सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है डॉबरमैन अगली बार पाल लीजिएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।